वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मुल्क में 8वीं हिंदुस्तानी ट्रेन दस्तियाब हो गई है। मुल्क भर में पहले ही 7 तेज रफ्तार ट्रेनें चल रही हैं। दरअसना ये जनूबी उसते रेलवे पर चलने वाली तारीखी की पहली तेज रफ्तार ट्रेन बन गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 10 पर मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में मरकजी उजरा अश्विनी विष्णु जी किशन रेड्डी, गवर्नर तमिलसाई सुंदर राजन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, बीजेपी सदर बंडी संजय और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। के मंत्री मोहम्मद मसूद अली गारू, टी श्रीनिवास यादव, संसद में मेरे साथी, मेरे मित्र बंडी संजय गारू, के लक्ष्मण गारू, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कारम। उत्सवों के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को, विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस